नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पारिक शिक्षा क्लासेज में। हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। ये जो टॉपिक है, राजस्थान की सभी एग्जाम्स, चाहे रीट, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, जो भी एग्ज़ाम है राजस्थान के, सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमने अब तक राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान का अरावली प्रदेश और राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाड़ौती का पठारी प्रदेश। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हाड़ौती का पठार निर्माण कब हुआ? हाड़ौती के पठार का क्रिटेशियस काल में। यह भाग गोंडवाना लैंड का अवशेष है। कौन से? गोंडवाना लैंड। मैंने आपको कल बताया था, जो ये पृथ्वी थी, इसके अंदर जो जलीय भाग था, इसे क्या कहा गया? पैंथालाशा। इसे कहा गया पैंथालाशा, पैंथालाशा। और जो स्थलीय भाग था उसे कहा गया पेंजिया, उसे कहा गया पेंजिया। क्या कहा गया? पेंजिया। अब जो स्थलीय भाग था, जो स्थलीय भाग है, ये मतलब पूरे जितने वर्तमान में जितने भी महाद्वीप हैं, सारे के सारे एक जगह पे थे, स्थित थे। पूरा स्थलीय भाग एक था ये। और स्थलीय भाग के कार्बोनिफेरस काल में दो टुकड़े हुए, तो इसका उत्तरी भाग तो कहलाया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जिसका दक्षिणी भाग है वो कहलाया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। तो जो ये हाड़ौती का पठार था वो गोंडवाना लैंड का अवशेष था। यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। प्रमुख फसलें यहाँ की है कपास और सोयाबीन। कपास और सोयाबीन प्रमुख यहाँ की फसलें। जो कपास है वो काली मिट्टी का, जो काली मिट्टी है वो कपास की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। तो ये यहाँ की प्रमुख फसलें कपास और सोयाबीन। यहाँ की औसत वर्षा है वो 95 सेंटीमीटर है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला पूछा जाए तो झालावाड़ है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग पूछा जाए तो कोटा संभाग। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला संभाग तो कोटा संभाग। हाड़ौती के पठार की प्रमुख जो नदियाँ हैं उसमें चंबल नदी है, पार्वती नदी है, काली सिंध नदी है, परवन नदी है और आहू नदी है। इस पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार। जो विंध्यन कगार भूमि है, इस भूमि का जो विस्तार है वो पूर्वी, सॉरी, इस भूमि का जो विस्तार है वो बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में है। यह क्षेत्र बलवा पत्थर से निर्मित है। जो विंध्यन कगार भूमि है वो कौन से पत्थर से निर्मित है? बलवा पत्थर। और बलवा पत्थर कहाँ पे निकलता है? धौलपुर में। जो लाल बलवा पत्थर है वो धौलपुर में निकलता है। जो दिल्ली का जो लाल किला बना हुआ है वो किससे बना है? धौलपुर के लाल बलवा पत्थर से बना हुआ है। करौली से निकलता है गुलाबी बलवा पत्थर और बूंदी से निकलता है सलेटी बलवा पत्थर। तो जो विंध्यन कगार भूमि है वो बलवा पत्थर से निर्मित है। अब दक्कन का जो लावा पठार है उसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में। मिट्टी यहाँ पे निकलती है काली मिट्टी। और इसकी फसलें यहाँ पे कौन सी होती है? फसलें कपास, सोयाबीन और अफीम। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं कपास, सोयाबीन और अफीम। अब फ्रेंड्स चलते हैं GBF। ये जी बी और एफ ये क्या चीज़ है? GBF, जी का अर्थ है ग्रेट, बी का बाउंड्री, एफ का फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी महान सीमांत भ्रंश जिसे कहेंगे। तो मतलब जो अरावली पर्वतमाला है और जो हाड़ौती का पठार है, इन दोनों के मध्य एक भ्रंश स्थित है। मतलब जो दो भौतिक प्रदेशों के मध्य एक भ्रंश स्थित है, तो इसका नाम है महान सीमांत भ्रंश। अरावली पर्वतमाला और जो पठारी भाग है उन दोनों के मध्य एक भ्रंश स्थित है, जिसे GBF महान सीमांत भ्रंश कहते हैं। तो चित्तौड़गढ़, बूंदी और सवाईमाधोपुर में है ये। अरावली व हाड़ौती के पठार के मध्य स्थित भ्रंश को GBF कहते हैं, यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। इस भ्रंश का जो विस्तार है वो चित्तौड़गढ़, बूंदी और सवाईमाधोपुर में है। अब बात करते हैं, इस साइड नोट लगा के लिखा हुआ मैंने MBT, MBT और T और MC और T, HF और F। MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट और MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट और HFF यह है शिवालिका। जो शिवालिका जो है ग्रेट हिमालय और शिवालिका के मध्य, जो ये HFF है वो
मैदानी प्रदेश और शिवालिका के मध्य है। तो हिमालय का जो HFF की फुल फॉर्म है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, ये जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी आप ये याद रखना, GBF ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावली और हाड़ौती के पठार के मध्य है, GBF ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भौतिक प्रदेश सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।